दोस्तों कमेंट जरूर करना, किसी ने यहाँ तक देखा, थैंक यू। चलिए जब बात करता हूँ, जरूरी बात करनी है, रास्ते में करूँगा, ठीक है? ये तो आएंगे डैडी मम्मी। ये रही मैजिकल सीढ़ियाँ, मुझे 99% हो चुका है, जो सारा कुछ सोच समझ कर सोच जाएंगे डिसीजन लिया मैंने। ये जिम व्लॉग की रास्ते में जाता हूँ, कुछ और नहीं शूट करता दिन का, ये नहीं काम करेगा, काम कर भी नहीं रहा, करेगा भी नहीं। लाइव भी आता हूँ, कोई नहीं आता, देव आता है, वो जान गए जान करके रास्ते में मत जाता हूँ, बताऊँगा। पता नहीं दिमाग में क्या आया, सैंडविच ला ली, 15 मिनट जाने के लोगों ने, 10 मिनट वैसे रुकता हूँ, आधा घंटा हो जाएगा। हैप्पी की दुकान से लीजिए, आज थोड़ा घर से जल्दी चलाऊँगा, 5-10 मिनट पहले। मैं सोच रहा था ना, देखो ये 2018-19 तो है नहीं कि लोगों को अभी ब्लॉगिंग नई चीज़ है इंडिया में, भी लोगों को मेरी लाइफ देखने में इंटरेस्ट होगा। 2024 चल रहा है, किसी को नहीं, किसी के पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना, बढ़े हैं, लाइव में कम से कम 5-7 को आना चाहिए था, कोई नहीं आया, देव आया खाली, बाकी आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। देव जानता है मुझे, इसलिए रुक कर मैसेज करता है। तो ये भी कमेंट है, 5.5 लाख के करीब वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल मेरी लाइफ में आता है, क्या कर रहा हूँ, है उसके 5.5। मूवीज़ रेंजर हिंदी उसके 4 चैनल है, मूवीज़ रेंजर हिंदी 2.0 भी है, और बाकी का मुझे नाम नहीं पता। तो कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, ये भी बनाऊंगा, जिम तो लगा ही रहूँगा, हर चीज़ पर अपना व्यू पॉइंट दूंगा, फिटनेस के रिगार्डिंग आएंगी वीडियो। अब यही होगा मेन कंटेंट, है ना। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम, सारे देवी, सारे देवी। आज दूसरे से है, मैं दूसरी साइड चल रहा हूँ, रॉन्ग साइड चल रहा हूँ, मैं पैदल वाली रॉन्ग साइड, गलत काम कर रहा हूँ। जिम के करीब आ गए जी, 1 मिनट का रास्ता है, सिर्फ एक टर्न, आएंगी वीडियो, आएंगी दूसरी टाइप की वीडियो आएंगी, फिटनेस न्यूज रिगार्डिंग अपना व्यू पॉइंट मैं दूंगा। वो रहा जिम, जहाँ स्कूटर खड़े हैं दो, लेफ्ट साइड, अंदर मिलता हूँ।
हरी और प्रस्थान करते हुए बढ़िया एक्सरसाइज लगी आज। वीडियो एक तो कंपनी है उसका नहीं कोई चक्कर। जिस दिन ना मैं जिम में, अब जैसे मैं 15-20 रोज से ज़्यादा वेट करने लग गया हूँ, थोड़ा जोर लगाने लग गया हूँ, तब घर जाकर ना अगले दिन तक भी मुझे मेरे मसल्स पंप रहते हैं, दर्द सा लगा लो जब बस पूरा यूज नहीं कर पाता मैं हैंड्स को, शरीर को पंप हो जाए तो ना मसल्स वैसा रहता है। शायद डायबिटीज के कारण या एज के कारण कुछ नहीं कर सकते, या मैं डाइट नहीं खाता जिस हिसाब से खानी चाहिए। सिंपल हो गई, घर का ही खाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं शुरू किया मैंने, सही बोल तो। पर हाँ, बॉडी टाइट होनी शुरू हो गई है, शोल्डर की वेट जैसे पहले थी वैसे हो गई वाइड जैसे पहले थी, मसल मेमोरी कह लो या क्या कह लो, क्योंकि एज का भी फ़र्क पड़ता है ना। मैं बताता हूँ, मेरा वेट सेम था आज से 4-5 साल पहले, 2018 के करीब 18-19 में वेट में डिटो सेम था, 77-78, ठीक है। वेस्ट थी मेरी 34, अभी 34 की पैंट आती है, पर पेट जो होता ना, पेट वेस्ट और पेट में थोड़ा फर्क होता है ना, पेट मेरा था 35.5 इसके करीब रहता था, अब मेरा पेट 37.5 के करीब है, 37.5। वो वाइड हो जाती है ना वेस्ट लाइन, एज के हिसाब से 40 के बाद किसी की थोड़ा जल्दी होती है, किसी की लेट होती है, मेरी हो चुकी है, वेट उतना ही है, बाकी बॉडी श्रिंक करके थी, ऊपर से मैं थोड़ा पहले जितना चौड़ा इनके वाइड हो चुका हूँ। हाँ, मुझे भूख मेरी बढ़ गई है, कुछ ऐसे सैंडविच खा लिया, कुछ खा लिया, ऐसा कुछ क्लीन डाइट में लेने लगा। यानी कहने का मतलब, कभी एक रोटी ज़्यादा खा ली, दो ज़्यादा खा ली, ऐसे दूध पी लिया एक्स्ट्रा, जो मैं ऑलमोस्ट बंद कर दिया था मैंने दूध पीना, तो ऐसे दलिया एक्स्ट्रा खाओ, सोयाबीन ऐसा न्यूट्री वगैरह, जहाँ चिकन वगैरह, अंडे वंडे वो नहीं किया, बस अंडे तो मैंने 2-3 बार खाए हैं जब से जिम लगा हूँ, वो नहीं शुरू किया मैंने। क्या ये अपना जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम, सारे जय जी, सारे जय जी। दोस्तों कमेंट जरूर करना है, जिसने यहाँ तक देखा थैंक यू, कमेंट जरूर करना है, नया देख रहा है कमेंट जरूर करना, बताना कैसा लगा, ठीक लगा कि नहीं। ओके, थैंक यू। आगे जी घर, मैंने बोला घर के अंदर एंड करूँ, अब वो है एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।